है एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ गाइस लैक्मे की पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम का। गाइस इसके साथ आपको बहुत सारे वेरिएंट्स इस लैक्मे पीच मिल्क के मिल जाते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लैक्मे पीच मिल्क अल्ट्रा लाइट जेल ले सकते हैं, और अगर आपकी स्किन जो है ड्राई है तो आप लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम ट्राई कर सकते हैं गाइस। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप नॉर्मल इसका लोशन भी वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको इसमें SPF वाला आपको वेरियंट चाहिए तो आप SPF के लिए भी जा सकते हैं। पर ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम, इसके अंदर गाइस आपको SPF नहीं मिलता। मुझे इस क्रीम को यूज़ किए हुए 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं गाइस, और मैंने सोचा कि क्यों ना इसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाए। सो गाइस मैं इस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर रिव्यू करूँगी इस वीडियो में, और मेरा जो ये वीडियो है नॉन स्पॉन्सर्ड है गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइस के, तो 399 रुपीज़ है, और अगर आपको ऑनलाइन चाहिए होगा तो ये अफोर्डेबल रेंज के साथ आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएगा। सो गाइस अगर हम बात करें इसके सेल्फ़ लाइफ की, तो आपको 2 ईयर्स की आपको सेल्फ़ लाइफ मिल जाती है। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 200 ग्राम की क्वांटिटी है। अगर इसके इंग्रेडिएंट के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर पैराबिन इंक्लूडेड है गाइस। सो गाइस अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट को लेके कंसर्न रहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को बहुत ही लंबे समय तक यूज़ ना करें, बट ये मेरा पर्सनल फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। सो गाइस मैं इसको यूज़ करने से नहीं रह सकी। इसको ओपन करके देखेंगे और कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है गाइस। सिल्वर कलर के फॉइल के साथ बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा है इन्होंने, ताकि कोई प्रोडक्ट इधर से उधर ना हो, लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। और गाइस अगर हम देखें तो इसका जो टेक्सचर है, इसका जो लुक है गाइस, काफ़ी ज़्यादा क्रीमी बेबी सॉफ्ट पिंक कलर का आपको देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा आपको देखने को मिलता है इसका टेक्सचर, काफ़ी ज़्यादा मन करता है ना कि आप इसको खा जाओ। सो गाइस अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो नॉन स्टिकी, नॉन ऑयली है, और आपके स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्मूथली, काफ़ी ज़्यादा आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है गाइस, सॉफ्ट क्रीम जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है गाइस। सो गाइस अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारे स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, और एक हल्का सा आपको लाइट लाइट वेट आपको देखने को मिलता है इस क्रीम के अंदर। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है आपकी स्किन के लिए। इवन आपकी स्किन ऑयली भी है तो आपको बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को ये लगने वाली है। सो गाइस ये था मेरा रिव्यू इस लैक्मे सॉफ्ट क्रीम के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो गाइस, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।